मूवी की शुरुआत में एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहां पर बहुत बड़े और अजीबोगरीब क्रिएचर्स रहते हैं और इस जगह का नाम क्रिप्टॉन होता है। क्रिप्टॉन के काउंसिल बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि ये जगह धीरे धीरे तबाह हो रही थी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इस जगह पर एक नेचुरल बॉर्न बेबी पैदा होता है और इसके फादर का नाम चौरेल होता है। वो अपने प्लेनेट की यानी कि क्रिप्टॉन की सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और इसी वजह से वो इस प्लेनेट का कोडेक्स ही हासिल करना चाहता था ताकि इस जगह को बचाया जा सके। कोडेक्स को हासिल करने के लिए इस प्लेनेट के काउंसिल के सामने जाता है और उनके सामने अपनी बात रखता है। वो कहता है कि मैं इस प्लेनेट को बचाना चाहता हूँ और इसी वजह से मुझे कोडेक्स चाहिए। काउंसिल कोडेक्स देने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर क्रिप्टॉन का जर्नल आ जाता है। वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आता है और वो इनकी सभी बातें सुन रहा होता है। वो भी कोडेक्स हासिल करना चाहता था, लेकिन असेंबली उसको भी मना कर देती है, जिसकी वजह से वो काउंसिल के लोगों को मार देता है। दरअसल जर्नल की मोनोपोली बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वो चाहता था कि हम इस प्लेनेट को दूसरी जगह यानी कि दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले उस प्लेनेट के सभी लोगों को मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ जोरेल की ये सोच बिल्कुल भी नहीं थी। वो चाहता था कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और किसी भी प्लेनेट को तबाह ना किया जाए, जिसकी वजह से दोनों के अंदर कंफ्लिक्ट हो जाता है और आपस के अंदर ही लड़ाई हो जाती है। दोनों के अंदर जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन किसी तरह से चोरेल वहां से बचकर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो अपने पैट ड्रैगन को बुलाता है और उस पर बैठकर वो दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है। चोरेल अपने ड्रैगन पर बैठकर उस जगह पर जाता है जहां पर कोडेक्स रखा हुआ होता है। वो कोडेक्स को किसी तरह से हासिल कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो इस जगह से बाहर निकलता है, उसके पीछे जर्नल आ जाता है। जर्नल को भी वो कोडेक्स चाहिए था, इस वजह से वो चोरेल के ऊपर अटैक कर देता है। चोरेल उस जगह से कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए और अपने ड्रैगन के ऊपर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसका ड्रैगन घायल हो जाता है। लेकिन वो चोरेल को अपने ऊपर बिठाकर उसे सेफ जगह लेकर जाता है। उसका घायल ड्रैगन उसको किसी तरह से उसके घर पर पहुंचा देता है और ये कोडेक्स वो अपनी बीवी को ले जाकर दे देता है। वो कोडेक्स देने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि इस प्लेनेट का पूरा डीएनए हमारे बेटे के अंदर डाल दो, क्योंकि ये प्लेनेट अब पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। चोरेल अपनी बीवी को बताता है कि मुझे ये बात पहले से ही मालूम थी कि मेरा बेटा कोई आम इंसान नहीं है, ये हम सबसे अलग होगा और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर होगी। इसके अंदर ऐसी एबिलिटीज होंगी जो आज तक दुनिया ने नहीं देखी है और इसी वजह से हमें अपने बेटे को एक ऐसी सेफ जगह पर पहुंचाना होगा जहां पर इसकी जान के लिए कोई भी खतरा ना हो। फिर हम देखते हैं कि इस प्लेनेट का डीएनए उसके बेटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और साथ ही एक ऐसी लोकेशन ढूंढकर उसे एक स्पेसशिप के अंदर भेज दिया जाता है। वो इस स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी की भी रख देते हैं जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जर्नल भी आ जाता है। वो चोरेल के घर पहुंच जाता है और वहां पर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक के अंदर इस बार चोरेल मारा जाता है। फिर वो उस स्पेसशिप की तरफ जाता है जहां पर इस बच्चे के साथ इस प्लेनेट के डीएनए को एक दूसरी लोकेशन पर भेजा जा रहा था। ये बात क्रिप्टॉन के काउंसिल को भी पता लग जाती है, जिसमें से कुछ लोग बच गए थे। तभी ये लोग अपनी स्पेसशिप अपने जनरल की स्पेसशिप को रोकने के लिए भेजते हैं, जिसकी वजह से उस बच्चे की स्पेसशिप पर हमला होने से रोक लिया जाता है। तभी वहां के काउंसिल को पता लगती है कि जनरल ने चोरेल को मार डाला है, जिसकी वजह से सजा के तौर पे उन्हें कैद कर लिया जाता है और एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां पर कोई भी इन लोगों की हेल्प ना कर सके और इन्हें ढूंढ ना पाए। इधर हम देखते हैं कि चोरेल ने मरने से पहले अपने बेबी के स्पेसशिप को अर्थ की तरफ भेज दिया था, जो कि एक ऐसा प्लेनेट है जो क्रिप्टॉन के जनरल की नजरों में नहीं आया था और ये इस दुनिया से छुपा हुआ था। इसी के साथ साथ थोड़ी ही देर के अंदर क्रिप्टॉन पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वहां के सारे लोग मारे जाते हैं। अब यहां पर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहां पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम क्लार्क होता है। ये एक फिशरमैन के तौर पर एक बोट में काम कर रहा होता है। तभी क्लार्क देखता है कि पास ही जहां पर एक तेल निकालने की कंपनी थी, वो पूरी तरह से आग में लिपट चुकी है और तबाह होने लगी है। ये देखते के साथ ही क्लार्क वहां पर पहुंच जाता है। क्लार्क वहां पर जाने के बाद उन सभी लोगों की जान बचाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही वहां पर एक हेलीकॉप्टर आने वाला था, एक बड़ा सा टावर उस हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। तब हम देखते हैं कि क्लार्क अपनी फिजिकल एबिलिटी के जरिए उस टावर को रोक लेता है, जो कि बहुत भारी होता है। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर जिसके अंदर लोग सवार थे वो वहां से निकलता है और ये पूरा ऑयल रिग पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लार्क पानी में जख्मी हालत के अंदर गिर जाता है। क्लार्क एक बार में भी काम करता था। इस बार में काम करने के दौरान एक आदमी वहां की वेटरेस से बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से क्लार्क उसको एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। तभी उसको पता लगता है कि काफी पुरानी स्पेसशिप एक बर्फ में दबी हुई है, जिसकी वजह से क्लार्क उस स्पेसशिप को ढूंढना चाहता था और उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी यहां पर हमें एक न्यूज रिपोर्टर दिखाई जाती है जिसका नाम लुइस होता है। वो भी ऐसी ही चीजों की तलाश कर रही थी जो दुनिया से छुपी हुई थी। क्लार्क भी इस लोकेशन पर पहुंच चुका था जहां पर बर्फ के अंदर दबी हुई चीजों की खोज की जा रही थी और वहां पर लुइस भी थी। एक दिन रात को लुइस चुपके
से वहां से बाहर निकलती है और कुछ ऐसी चीजों की तस्वीर लेना शुरू कर देती है जो इस दुनिया के लिए अनजान थी। तभी वहां पर एक पिक्चर लेने के बाद वो देखती है कि एक आदमी सर्दी के अंदर एक बर्फ के पहाड़ की तरफ जा रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि क्लार्क था। वो अपनी आंखों की लेजर के जरिए बर्फ को ऐसे काट रहा था जैसे मक्खन के अंदर गर्म छुरी चला दी जाती है, और बहुत सारी बर्फ को काटता हुआ एक सुरंग बनाता हुआ वो स्पेसशिप तक पहुंच जाता है जो हजारों सालों से इस बर्फ के अंदर दबी हुई थी। जैसे ही क्लार्क उस स्पेसशिप के अंदर पहुंचता है उसे एक वहां पर सेटअप नजर आता है जो कि एक की से ही एक्टिवेट किया जा सकता था। दरअसल ये की वही है जब क्लार्क को इस प्लेनेट पे भेजा गया था तो उसके पिता ने इसके साथ ही भेजी थी। जैसे ही वो इस की को इस मॉड्यूल के अंदर इंसर्ट करता है तो वो देखता है कि वहां पे चोरेल आ चुका है। चोरेल अपने बेटे का वेलकम करता है लेकिन क्लार्क इस बात से अनजान होता है कि ये मेरे पिता हैं, इन्होंने ही मुझे यहां पर भेजा है। तब चोरेल बताता है कि हम सब लोग क्रिप्टॉन में रहा करते थे और एक दिन ऐसा आया जब वो क्रिप्टॉन तबाह होने लगा, इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस प्लेनेट पे भेज दिया ताकि तुम अपनी जिंदगी जी सको और इंसानियत के काम आ सको। दरअसल ये सब एक कोडेक्स के लिए किया गया जो कि उस प्लेनेट का डीएनए था। चोरेल क्लार्क को बताता है कि तुम्हें इस प्लेनेट पर भेजने से पहले मैंने अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन और तुम्हारे डीएनए को मैच कर दिया था जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर जबरदस्त शक्तियां हैं, पावर हैं। चोरेल कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना होगा, अपनी पावर्स को पहचानना होगा और इसी के साथ मैं तुम्हें एक ऐसा सूट भी दूंगा जो तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लार्क अब पूरी तरह से उस ड्रेस को पहनने के बाद एक सुपरमैन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी बन चुका है। वो अपनी पावर्स को पहचान रहा है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो आसमान के अंदर वो बहुत ही तेजी से उड़ रहा है। वो इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है और उसे किसी भी चीज का खौफ नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लार्क अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और वो बताता है कि माँ मैंने अपनी पावर्स को पहचान लिया है। क्लार्क कहता है कि मुझे ये बात पता लग चुकी है कि मैं बचपन से ही इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों था। ये सुनने के बाद उसकी माँ मार्था बहुत ज्यादा खुश होती है लेकिन अपसेट भी हो जाती है। आखिर उसे इस बात का डर था कि अब उसका बेटा उसको छोड़कर चला जाएगा। ये सुनने के बाद क्लार्क कहता है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इधर हम अगले पल देखते हैं कि आर्मी को सैटेलाइट पर कुछ ऐसी इमेजेस नजर आ रही हैं जो कि एक स्पेसशिप की तरफ इशारा करती है और वो धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही है। तभी उनकी स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है जिसमें बताया जाता है कि हमारे ग्रह का एक आदमी तुम्हारे ग्रह पर है और हम उसको लेने के लिए आ रहे हैं, और अगर हमें वो आदमी ना लौटाया गया तो हम तुम्हारी दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद और तबाह कर देंगे। ये देखने के बाद वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ये मैसेज क्लार्क भी देख रहा होता है क्योंकि ये कास्ट पूरी दुनिया में एक साथ आ रहा होता है। सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस ग्रह पर किसी भी तरह की आंच आए और इसी वजह से क्लार्क आर्मी के सामने सरेंडर कर देता है। उसे एक जगह पर लेकर जाया जाता है जो कि खुफिया होती है। उसे एक रूम में रखा जाता है जहां पर लुईस उसके बारे में उससे पूछताछ कर रही होती है। सुपरमैन आर्मी चीफ से कहता है कि मुझे उन लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए ताकि वो यहां से चले जाएं। ये देखने के बाद आर्मी चीफ समझ जाता है कि ये इंसान बुरा नहीं है, ये हमारी ही मदद कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन को एक जगह पर लेकर जाया जाता है जहां पर जनरल जॉर्ड आता है। उनकी शिप से एक मैसेंजर निकल कर आती है और वो आर्मी चीफ से कहती है कि हमें सुपरमैन के साथ साथ लुईस भी चाहिए, लेकिन इस बात के लिए आर्मी अग्री नहीं होती। ये सुनने के बाद लुईस खुद अपने आप को क्रिप्टोनियन के हवाले कर देती है और वो लोग सुपरमैन और लुईस को लेकर अपनी शिप में चले जाते हैं। उनको शिप में अंदर लेकर जाते ही जनरल जॉर्ड आता है। वो सुपरमैन को बताता है कि इस बात को तो तुम भी जान चुके हो कि क्रिप्टॉन पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो तुम्हारा और मेरा ग्रह था यानी कि क्रिप्टॉन, उसको बसाने के लिए तुम मेरी मदद करोगे और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और साथ ही कोडेक्स भी चाहिए ताकि मैं अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन को इस दुनिया के अंदर बसा सकूं। ये सुनने के बाद सुपरमैन कहता है कि मैं नहीं जानता कि कोडेक्स कहां पर है। जनरल जॉर्ड कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह करके दोबारा से नए सिरे से क्रिप्टॉन इस धरती पर लेकर आऊं जिसकी वजह से मुझे इन सभी लोगों को मारना होगा। इधर हम देखते हैं कि लुईस एक चैंबर में बंद थी। दरअसल लुईस के पास वो की थी जो कि क्लार्क ने ही इसको दी थी। जैसे ही वो उसको चैम्बर के एक सिस्टम के अंदर इंसर्ट करती है वहां पर चोरेल आ जाता है। चोरेल लुईस से कहता है कि ये स्पेसशिप मैंने ही बनाई थी और ये कमांड की मेरी ही दी हुई है। अगर तुम अपनी और सुपरमैन की जान बचाना चाहती हो तो जिस तरह से मैं कहता रहूं उसी तरह से तुम करती रहो तो हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और अपने सामने आ रही सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जनरल जॉर्ड के आदमी उनके ऊपर अटैक कर रहे थे जिसकी वजह से लुईस को चोरेल एक शिप के अंदर बिठाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। उस स्पेसशिप के अंदर बैठकर लुईस वहां से निकल जाती है। इसके बाद चोरेल अपने बेटे यानी कि सुपरमैन से मिलता है और वो उसको अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि तुम हर किसी का सामना चुटकियों में कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जनरल जॉर्ड भी
उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और जाकर उसकी माँ से मिलता है। जनरल जॉर्ड के असिस्टेंट क्लार्क की माँ को अपने हाथों में पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लेती है और उससे कोडेक्स के बारे में पूछती है। जनरल जॉर्ड की लेफ्टिनेंट उसको मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर सुपरमैन आ जाता है। ये देखने के बाद सुपरमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरी माँ को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। वो उन्हें उड़ाता हुआ एक बहुत दूर लोकेशन पे ले जाता है। दरअसल जनरल जॉर्ड ने एक बहुत ही खास किस्म का सूट पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो इस अर्थ के वातावरण से बच रहा था। सुपरमैन उसके हेलमेट को तोड़ना शुरू कर देता है और जनरल जॉर्ड का हेलमेट टूट जाता है। जनरल जॉर्ड उस हेलमेट के टूटने की वजह से कमजोर पड़ने लग गया था। सुपरमैन जनरल जॉर्ड को मार रहा होता है, लेकिन तभी जनरल जॉर्ड के लोग एक स्पेसशिप लेकर उसके सामने आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जनरल जॉर्ड के आदमी जनरल जॉर्ड को उठाकर वापस अपनी शिप में ले आते हैं। यहाँ पर जनरल जॉर्ड का साइंटिस्ट जनरल को बताता है कि सिर्फ सुपरमैन को मेरे पास लेकर आ जाओ, क्योंकि कोडेक्स उसके शरीर के अंदर है और उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है वो भी मैं जान चुका हूँ, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे यहाँ पर जिंदा लेकर आए या मुर्दा, मैं कोडेक्स की बॉडी से निकाल लूंगा। ये सुनने के बाद जनरल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि प्लेनेट अर्थ का एनवायरमेंट जनरल जॉर्ड को जरा सा भी सूट नहीं करता था, जिसकी वजह से वो अपनी स्पेसशिप से दो मशीन्स ऐसी निकालकर भेजता है जो पृथ्वी की कोर के अंदर जाकर पृथ्वी का वातावरण बदलकर उसको पूरी तरह से तबाह कर सकती थी। दरअसल ये मशीन प्लेनेट अर्थ को क्रिप्टॉन के वातावरण में तब्दील कर देंगी, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा और यहाँ के लोग भी मारे जाएंगे। जैसे ही ये मशीन प्लेनेट अर्थ के ऊपर आती है, वहाँ का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है और आसपास तबाही होना शुरू हो जाती है। पृथ्वी के लोग ये देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। ये देखने के बाद लुईस आर्मी के पास जाती है, आर्मी चीफ से कहती है कि पृथ्वी को बचाया जा सकता है, क्योंकि सुपरमैन के फादर ने मुझे बताया था कि जिस स्पेसशिप के अंदर मैं यहाँ पर आई हूँ, अगर उस स्पेसशिप को इन मशीन्स के पास टकरा दिया जाए तो ये मशीन्स पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। तभी वहां पर सुपरमैन भी आ जाता है और वो भी यही कहता है, अगर आपने इस स्पेसशिप को एक मशीन के साथ टकरा दिया तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और दूसरी मशीन को मैं तबाह कर दूंगा। इधर हम देखते हैं कि सुपरमैन दूसरी मशीन की तरफ जा रहा है। वो बहुत तेजी से उस मशीन के पास पहुंच जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस मशीन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुईस और आर्मी चीफ उस स्पेसशिप को ले जाकर दूसरी मशीन से टकराने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन तभी उनका सामना जनरल जॉर्ड की आर्मी से हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि जनरल जॉर्ड के लोग उस प्लेन को पूरी तरह से रोकना चाहते थे जिसके अंदर वो स्पेसशिप थी। ये देखने के बाद प्लेन का पायलट कहता है कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, सिर्फ तुम इन लोगों को संभाल लो, मैं इस प्लेन को ले जाकर उस मशीन से टकरा दूंगा और इसमें अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे कोई भी गम नहीं होगा। ये कहने के बाद वो पायलट अपने प्लेन को उस मशीन की तरफ ले जाता है जो जमीन का वातावरण चेंज कर रही थी। जैसे ही वो प्लेन उस मशीन से टकराता है, वो मशीन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन इसी दौरान प्लेन के अंदर मौजूद लुईस भी प्लेन से गिर जाती है और वो जमीन से टकराने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर सुपरमैन आता है और उसकी जान बचा लेता है। वो लुईस को लेकर जमीन पर आराम से उतर जाता है, लेकिन तभी वहां पर जनरल जॉर्ड आ जाता है और उसके सामने वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन को इस धरती पर नहीं लेकर आ सकता, तुमने मेरी सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है और इस वजह से अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जनरल जॉर्ड अब धरती के वातावरण को अपना चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। जनरल जॉर्ड भी सुपरमैन की तरह उड़ सकता था, उसके अंदर भी ऐसी ही पावर आ गई थी जैसी सुपरमैन के अंदर थी। दोनों के अंदर जबरदस्त फाइट सीन दिखाए जाते हैं। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को पार करते हुए तोड़ते हुए एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हुए थे। वो लड़ते हुए एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे इंसान अपनी जान बचाने के लिए पनाह लेने के लिए आए थे। जनरल जॉर्ड ये देखता है कि सुपरमैन को इन लोगों से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए वो अपनी आंखों से लेजर निकालकर इन लोगों को मारना चाहता था, लेकिन सुपरमैन ऐसा नहीं होना देना चाहता था। इसी वजह से सुपरमैन जनरल जॉर्ड की जान ले लेता है। इसी के साथ वो बहुत ज्यादा बुरा भी फील कर रहा होता है, क्योंकि जनरल जॉर्ड ही उसके प्लेनेट का एक आखिरी बचा हुआ इंसान था और उसको भी सुपरमैन मार चुका है। ये सब चीजें खत्म होने के बाद कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्लार्क लुईस के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाता है एज अ रिपोर्टर काम करने के लिए। ये देखने के बाद लुईस उसको हायर कर लेती है, अपना असिस्टेंट बना लेती है और कहती है वेलकम टू द प्लेनेट, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये फिल्म पसंद आई थी तो इसको कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।